हमने सड़क पे धसी हुई मिसाइल आपको दिखाई, जिसमें तीन कार बुरी तरह से बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, नुकसान हो गया है। और ये भारतीय मूल का एक परिवार है, यहाँ जो बगल में ही रहता है, उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है। एलिना जी हमारे साथ हैं, भारतीय मूल से हैं, और ये जो पूरा परिवार आप देख रहे हैं ये भारतीय मूल से ही जुड़े हुए हैं। मुंबई से यहूदी समुदाय के लोग, इनके माता पिता 50-60 के दशक में यहाँ आ गए थे। एलिना जी आप दिखाएंगे घर का हाल क्या है, आपको दिखाते हैं कैसे शीशे टूटे हैं, कैसे घर के हालात हो गए हैं। यहाँ देखिए ये कमरा है इनका, वहां मिसाइल गिरा, इम्पैक्ट कितना होता है वो बस आपको दिखाने के लिए कह रहे हैं। मिसाइल गिरा इनके घर में, ये देखिए इम्पैक्ट, वहां मिसाइल गिरा, काफी दूर है, करीब यहां से 20 मीटर, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना था, वहां देखिए, वहां गिरा, घर के में जो शीशे थे, शीशे का जो फ्रेम था वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। ये यहाँ यहाँ उधर उधर देखिए, उधर देखिए, ये खिड़की देखिए। ये कितने बजे की घटना है मैम? 4 बजे की। तो इस कमरे में कोई सोया था? नहीं, जब मिसाइल का आवाज आ गया हमें सेफ रूम में, जोन में, नीचे में, नीचे बंकर गए, में हाँ, बंकर में। दूसरे कमरे में भी कुछ हालत? हम ऊपर आए तो हमने सब ने सब देखा था, ये सब, ये मेरा बेटा का रूम है जी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, खिड़कियों के फ्रेम गिरे हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ की पूरी लाइट गुम हो गई, क्योंकि वहाँ का बिजली का जो बड़ा सा मशीन था जो यहाँ बिजली सप्लाई करता था, उसको नुकसान पहुंचा है ये। और दूसरी तरफ एक तरफ और है जहाँ घरों को नुकसान हुआ है, भारतीय मूल के ये लोग हैं, भारतीय मूल से जुड़े हैं, अच्छी खासी संख्या में, जो बहुत पहले 60-70 के दशक में। अब देखे इम्पैक्ट इतना कि ये खुल ही नहीं रहे, ये खुल ही नहीं रहे, ये इम्पैक्ट इतना है कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है कि अब आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते। और क्योंकि मिसाइल इधर से आती, यहां से नहीं, ये एरिया सामने का जो है इजराइल है, यहां से कोई मिसाइल नहीं आता, मिसाइल इधर से आता है, इस तरफ से, इस एरिया से। और ये आपने देखा कि किस तरह से, तो यही स्थिति है, कितना इम्पैक्टफुल होता है। घरों में भी अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन रात में जब सायरन बजता है, शाम को सायरन बजा था 4 बजे के करीब, कार तो पूरी तरह से ध्वस्त हुए, लेकिन घरों को भी नुकसान पहुंचा, और तमाम जितने भी घर हैं वो इस वक्त पूरे एस्थेलोन में वो डर के साये में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत बहुत है, खासकर जो भारत से जुड़ा हुआ, भारतीय मूल से जुड़े हुए परिवार हैं, यहूदी परिवार जो यहाँ दशकों पहले आकर बस गए, वो बिल्कुल इस युद्ध के खिलाफ अपना जज्बा ऊंचा रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, एस्थेलोन, इजराइल।